नेगेटिव से निकलता है पॉजिटिव के, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होता है, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव की तरफ जाता है, डाइपोल डाइपोल अपोजिट चीज है अपोजिट। आपको मैंने मैक्सिमम पार्ट करा है, कवर किया है, मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, आपने देखना बहुत अच्छी वीडियो बनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, मैं गिरीश डूगा की तरफ से आज आपके लिए एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिससे बच्चे बहुत ही ज्यादा डरते हैं। हर साल नीट में 2 से 3 क्वेश्चन इस यूनिट से फिक्स है, आएंगे ही आएंगे। तो आज इसको हम बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में हर एक चीज पढ़ेंगे, कैसे कैसे उसके टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, फिर एक नई वीडियो लाएंगे जिसमें हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चार्ज, चार्ज होता क्या है, चार्ज से पहले भी एक चीज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। चार्ज की स्टडी रेस्ट पर, उसकी स्टडी करने को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। चार्ज की वजह से ही दुनिया जहां की सारी चीजें होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती है, मैग्नेटिक फील्ड भी आती है। तो सबसे पहले आज चार्ज की चीजें पढ़ते हैं। चार्ज होता क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, 2 टाइप की होती है। कौन कौन से टाइप की होती है, बच्चे बच्चे को पता है, अरे एक होती है पॉजिटिव टाइप, एक होती है नेगेटिव टाइप। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में दूर भागते हैं, दो लड़के लड़के आपस में दूर भागते हैं, एक लड़का और एक लड़की आपस में अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, यही चार्ज भी इसी प्रॉपर्टी पे चलता है, बस और कुछ नहीं। एक छोटा सा टॉपिक है डायमेंशन, पढ़ा तो होगा नहीं, हर कोई छोड़ के आ जाता है यूनिट एंड डायमेंशन, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। पर मैं आपको हर एक टॉपिक के पढ़ाते वक्त डायमेंशन की एक अलग से वीडियो भी आई है, पर मैं सारे डायमेंशन आपको हर एक टॉपिक में कवर कर दूंगा। जैसे चार्ज, चार्ज का डायमेंशन कितना होता है, 80। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, कूलम। कोई बच्चा यूनिट पे ध्यान नहीं रखता, और आपको एक चीज बताओ, NTA कुछ नहीं पूछता, बेसिक फॉर्मूले वाले क्वेश्चन पूछता है, पर वो आपके यूनिट पे मार देता है, वो कूलम की जगह कुछ और यूनिट दे देगा, बस आप तो सोचोगे अरे इसकी ऐसा यूनिट ही तो दे रखी है, बस फॉर्मूले में डाला आंसर पुट करा। पर ऐसी गलती मत करना, ध्यान से सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आइए पढ़ते हैं छोटी छोटी चीजें, चार्ज चार्ज का और आगे का पढ़ते हैं, आगे क्या क्या होता है। चार्ज के बाद प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पढ़ते हैं, कोई पूछता नहीं है, पर पिछले 2-3 सालों से ट्रेंड आ रहा है कि वो डेफिनेशन बेस्ड थ्योरी में से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो चार्ज की कौन, चार्ज एडिटिव इन नेचर, एड कर सकते हैं नॉर्मली, क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, ऐसे नॉर्मली सारे चार्ज को एड कर सकते हैं। चार्ज इज अ कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्व है, नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे हम तो कंजर्वेटिव। अगर कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक, इसमें क्या होगा, अगर कोई +1 कूलम का चार्ज है, +2 कूलम का चार्ज है और +3 कूलम का चार्ज है, सेम आइसोलेटेड सिस्टम में +1 कूलम का चार्ज है, +2 कूलम का चार्ज है और +2 कूलम का चार्ज है, तो जिसमें इतना चार्ज इसमें भी इतना चार्ज, टोटल चार्ज को कांस्टेंट रख दो आंसर आ जाएगा, बस दिक्कत क्या है। तो इसमें भी क्यू इक्वल टू कितना, 3 कूलम। तो सिंपली बताने का एक ही मतलब है कि चार्ज कंजर्वड है, बस। दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी क्वांटाइज्ड इन नेचर, मतलब चार्ज जो है इंटीग्रल फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में आता है हमेशा। इसको किससे डिनोट करते हैं, क्यू इक्वल टू एनी से, मतलब सिंपल सिंपल सी बात है, चार्ज जो है वो कभी भी ट्रांसफर 2.5 3.5 4.5 ऐसे नहीं होगा ट्रांसफर, या तो 1 होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जा रहा है, ना बाबा ना, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, हमेशा ट्रांसफर होगा किसके, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में, ठीक। तो इसी की ये वाली प्रॉपर्टी है, समझ आया, एडिटिव है, कंजर्वेटिव है, क्वांटाइज्ड है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी, हमारे सिलेबस में इतनी ही प्रॉपर्टी पढ़नी है, आपके लिए भी नीट में इतना सही 3 प्रॉपर्टी से ही सारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आगे पढ़ते हैं, अगली चीज क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी, क्या है, 3 चार्ज बैठे रहते हैं आपस में, बोलते हैं किसी एक पे नेट फोर्स लगाओ, तो कहता है अरे यार किसी एक का मुर्गा काटना है, बर्थडे है, बहुत सारे दोस्त मिलके बैठे हैं, पार्टी लेनी है, कटेगा तो एक का ही। तो वैसे ही इसी में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में भी यही होता है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल बैठे हैं, Q1 Q2 Q3,
किसी एक का काटना है तो सारे मिलके उसी का काटेंगे। Q1, Q2, Q3 चार्ज है। अब मुझे अगर एक पे नेट फोर्स निकालना है तो क्या होगा, इस पे भी ये फोर्स लगाएगा, इस पे भी ये फोर्स लगाएगा। तो डेफिनेशन क्या आई, अगर सिस्टम में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होंगे और किसी एक पे हमें नेट फोर्स निकालना होगा तो रिमेनिंग उसके अलावा जितने चार्ज पार्टिकल होंगे सब उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब वो इक्वल लगाएंगे या अनइक्वल लगाएंगे, ये अट्रैक्टिव लगाएंगे या रिपल्सिव लगाएंगे, डिपेंड ऑन नेचर। अगर नेचर सेम होगा तो इक्वल एंड अपोजिट भी लगा सकते हैं, अगर नेचर डिफरेंट होगा तो उसकी बात नहीं करनी, बस फोर्स लगाएंगे। अगर, दोबारा बता रहा हूं, अगर सिस्टम में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हैं और किसी एक पे मुझे नेट फोर्स निकालना है तो उसको छोड़ के उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग सिस्टम ऑफ पार्टिकल में चार्ज प्रेजेंट है सारे उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। ठीक, समय है, छोटी सी चीज। अगर लिखने का तरीका कैसे है, आओ देखते हैं। अब इस पे अगर मैं कैसे लिखूं, फोर्स ऑन Q2 तो फोर्स ऑन टू DU21 इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस फोर्स ऑन टू DU23 ऐसे लिखने का ये तरीका है। छोटी सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इतना घुमा देता है घूमते घूमते चक्कर खा के गिर जाएंगे, कोई चक्कर खाने वाली बात नहीं है। सारे क्वेश्चन बहुत ही छोटे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं निकालना सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज के। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। अरे बाबा, इसका क्वेश्चन करवाते हैं ना, आ जाओ, एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक आता है, देखो ये वाला क्वेश्चन होता है जैसे ट्रायंगल वाला, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपने देखा ही होगा। ये क्यू चार्ज है, एक क्यू चार्ज है और एक क्यू चार्ज है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अगर मेरे को बोला जाए पॉइंट एफ नेट ऑन सी, अगर मुझे सी पे एफ नेट निकालना है तो कितना होगा, इस पे निकालते हैं, आओ देखते हैं कैसे होगा। इस सी पे मुझे नेट फोर्स निकालना है, मतलब इसके अलावा सिस्टम में जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं सब इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएंगे, डिपेंड ऑन नेचर। लड़के पास करेंगे, अबे चल दूर हो, लड़की दिखी, अरे इधर आना, इधर बैठ, सीट खाली तो है, नहीं भी रहेगी खाली तो भी खाली कर देंगे, इधर देखो कैसा होता है। सी पे नेट फोर्स निकालना है तो ये भी पॉजिटिव, क्लास के शुरुआत में क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जानते हो ना लड़कों का नेचर, लड़की का नेचर, जो दो लड़की साथ में बैठेगी एक दूसरे से जेलस करेगी, तो चार्ज भी वैसा ही है। तो ये इसको करेगी ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगी, ये इसको करेगी ऐसे, इधर अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगी। अब अगर फोर्स है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका रिजल्टेंट एंगल पे डिपेंड करेगा, समझ आए बात। देखो अब ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने क्लास 11 वेक्टर से पढ़ना था, उसको तो रिपीट नहीं कर रहा, वेक्टर के लिए अलग टॉपिक आएगा, उसमें सारी चीजें पढ़ेंगे। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट का फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F1² प्लस F2² प्लस 2F1F2 cos थीटा, यही तो फॉर्मूला है, बस वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। देखो ये भी फोर्स F ही लगाएगा, ये भी फोर्स F ही लगाएगा, तो जब मैं इसका F नेट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, √F² + F² + 2F² into cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो सीधा 1/2 पुट कर देता हूं, कट गया, 2F² + F² कितना है, √√3F। आंसर याद कर लेते हैं बच्चे, आंसर याद नहीं करना, एक छोटा सा लॉजिक है, जहां कंपटीशन का एग्जाम आ गया वहां चीजें थोड़ी घूमेंगी, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि फंसना नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं सीधे से ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे चीजों को टैकल करना है। अब आओ देखते हैं, एक इसी का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में
मैंने तो पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया था। जनरली अक्सर टीचर क्या करते हैं, आसान क्वेश्चन जो बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो डाल देते हैं, पर जो चेंज होके आ जाएंगे एनटी है उसे तो एलिमिनेट करना है, वो तो थोड़ा क्वेश्चन घुमा देगी ना। तो अगर मान लो मैं ऐसे कर देता हूँ क्वेश्चन को, जैसे अगर ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब मैं बोल देता हूँ, मैंने तो सी पॉइंट पे बोला ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट है, मैं बोलता हूँ अरे बेटा एफ नेट ए पे निकालो, बच्चे वही रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, वही कॉस 60 डिग्री की वैल्यू डालेंगे। पर अब ये गलती नहीं करनी, क्योंकि हमें चार्ज का नेचर देखना है, कैसे बैठे रहते हैं, ये लड़का ये लड़की क्या होगा, अट्रैक्टिव तो होगा हमेशा, लड़के लड़के थोड़ी है जो रिपेल करेंगे, लड़का लड़की। अब ये देखो ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव, मैंने क्या गेम खेल दिया, मैंने क्या गेम खेला, ये देखो मैंने तो गेम खेला, बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया, सी पे निकाल दिया। पर अब क्या देखना है आपको, एनटीए बोलेगी बेटा जी ए पे निकाल दो, और चार्ज की पोलैरिटी भी बदल देगी। तो आपको क्या करना है, देखो अब ये क्या करना है, ये इसको खींचेगा इधर, अरे बाबा ये क्या हो गया, ये काम मिट गया, ये देखो ये देखो ये इस तरफ खींचेगी इसको, ये इसको इधर रिपेल करेगा, करेगा करेगा बिल्कुल करेगा, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, बीच में। तो ये एंगल टोटल 180 है, तो ये बचा 60, तो ये कितना आया, ये टोटल 180 है और ये 60 है, तो कितना बचा 120, तो इनके बीच का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 120 डिग्री। आधे से ज्यादा बच्चों को कॉस 120 जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वही नहीं पता होगा, तो क्वेश्चन आएगा कैसे सही, मैं बताऊंगा ना कैसे सही आएगा, छोटे छोटे ट्रिक्स फंडामेंटल तरीके से हर एक क्वेश्चन को टैकल कर देंगे। ये देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगाएंगे, f² + f² + 2f² इंटू कॉस 120 डिग्री। अरे सर ई का होगा भाई, ये का बोर्ड में आ गया, ये रो cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री की वैल्यू बच्चों को पता ही नहीं होगी, रट लेते हैं, कितनी वैल्यू रट लोगे, हर जगह फंसा दूंगा, पर कोई बात नहीं, मैं ही आपको सिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो cos 120 की वीडियो वैल्यू होती है, वो होती है -1/2। ये देखो f² कितना हो जाएगा, 2f² + 2f² * -1/2, ये कितना हो जाएगा, कट के ये वैल्यू आएगी √f², इसको f भी लिख सकते हैं, पहला ही ऑप्शन एनटीए का करेगा, √3f डाल देगा, और आंसर है क्या है, f। क्या करा, सिर्फ और सिर्फ एक पोलैरिटी बदली और उसने पोजीशन बदला। पहले मैं टीचर्स के साथ जो करवाते थे वो सी पॉइंट पे बोलते थे, और √3f दुनिया जहां को हर बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा, √3f क्वेश्चन है, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, अरे बाहर आए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, √3f कर दिया, जब एनटीए की आंसर की निकली देख एफ, ओ माय गॉड, यहाँ तो पोलैरिटी नहीं देखी, ध्यान से करना क्वेश्चनों को, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो बस अब ये देखो एफ वाला एक और क्वेश्चन करके देखता हूँ, एक और वेरिएशन आता है ट्रायंगल वाला, आओ मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो ये एक ट्रायंगल, वैसे कायदे से एक चीज बताऊँ आपको, ये क्वेश्चन मुझे कराने चाहिए जब मैं कुलम्स लॉ पढ़ा दूँ, पर आप ड्रॉपर बच्चे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो मैं एज समझ रहा हूँ कि आपको कुलम्स लॉ आता है, इसलिए मैं फोर्स को, डिस्टेंस और चार्ज सेम जहां होते हैं वहां फोर्स को मैं इक्वल मान रहा हूँ। क्या चीज बोल रहा हूँ, आधो मूर्खों को तो समझ भी नहीं आ रही होगी, मैं बताता हूँ कैसे समझा रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, ये देखो ये सी पॉइंट। अब मैं, मेरे से कोई पूछे कि अरे भाई एफ नेट निकाल दो सी पे, एफ नेट निकाल दो किस पे, ऑन सी पे, तो मैं निकालता हूँ, देखो सी पे निकालना है, वही प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन की कहानी, हर चार्ज जिस पे निकालना है उसके अलावा सिस्टम में जितने भी रिमेनिंग पार्टिकल या चार्ज होंगे सब उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब देखो बी है, सी है, डी है, बी सी पे निकालना है मुझे, तो बी भी इसको इधर लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, सेम चार्ज की पोलैरिटी है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, देखो डी भी लगाएगा इसको इधर, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा √2 आएगा, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता क्या, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90 जीरो होता है, पता है नहीं पता क्या, देखो अरे यार मूर्खो यार, ये यार ये ऐसे मत करो यार, ये भी नहीं पता क्या, f² + f² + 2f² * cos 90 डिग्री, तो cos 90 जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा,
सीधा रूट है, रूट 2F आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का। अब देखो आधे से ज्यादा बच्चे यही गलती कर देंगे, क्या रूट 2F निकाल दिया सर, आंसर रूट 2F है क्या? अबे मूर्ख, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, जब किसी एक का बर्थडे है तो सारे मिलके उसको काटेंगे ना, कोई एक छूटेगा क्यों? फिर बी भी है, बी ने भी लगा दिया फोर्स, डी ने भी फोर्स लगा दिया, बचा ए, ए भी तो लगाएगा, पर इस बार एक गेम में ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट आ गया? बी और डी दोनों का डिस्टेंस सेम था, पर डी का डिस्टेंस, ए का डिस्टेंस सेम नहीं है। तो जब डिस्टेंस ही सेम नहीं है तो फोर्स कैसे सेम हो जाएगा? तो आओ देखो कूलम्स लॉ क्या कहता है। देखो ये कूलम्स लॉ का मैं अभी बता देता हूँ छोटा सा, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस पे होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कितना फोर्स लगेगा। तो इनके बीच में ये कितना डिस्टेंस है, ए ए, ये कितना हो जाएगा रूट टू ए, तो कितना डिस्टेंस आ गया, के क्यू वन क्यू टू बाय रूट टू ए का स्क्वायर। तो इसको सीधा लिख सकता हूं एफ बाय टू, डिस्टेंस ये हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाय टू ए स्क्वायर। तो इसको सीधा एफ लिख दिया, और एफ बाय टू तो है ही, तो इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो लगेगा, इसको रिपेल ही तो करेगा, चल उधर भाग, खींचेगा थोड़ी, नेगेटिव चार्ज थोड़ी है जो खींच के लाएगा इधर आ, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में, तो किस, क्या फोर्स लगाएगा, एफ बाई टू। जब दो फोर्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो नॉर्मली ऐड हो जाएंगे, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, एफ नेट रूट टू एफ प्लस एफ बाय टू, ये इसका नेट रिजल्ट का फॉर्मूला है। सेम गेम इसमें भी चेंज हो सकता है, अगर वो कहीं पॉजिटिव नेगेटिव बीच में घुसा देना, तो पॉजिटिव नेगेटिव घुसाते ही वो चीजें बदल जाएगी, जज्बात बदल जाएंगे। देखो अब ये हुआ क्या, ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन, और स्क्वायर पे मैंने पोलैरिटी वाले क्वेश्चन करा दी, सेम टाइप के पैटर्न के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपने देख लिया। अब आओ आगे पढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला है कूलम्स लॉ। सब कुछ पढ़ लिया, पूरी राम कहानी पढ़ ली, आप पढ़ रहे सीता कौन थी, सीता कौन थी, पूरे फोर्स पे पढ़ लिया, क्या डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करती है, अब पढ़ रहे हैं कूलम्स लॉ। अरे यार एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें कोई नया लॉजिक नहीं है कि हम कूलम्स लॉ पहले पढ़े बाद में पढ़े, पढ़ना तो है, कभी भी पढ़ लो यार। ये देखो कूलम्स लॉ होता क्या है, अगर मान लो यहाँ पे क्यू वन चार्ज है और यहाँ पे क्यू टू चार्ज है, जब दो चार्ज एक्ट अलोंग द सेम लाइन ज्वाइनिंग हो, तब ये वाला फोर्स इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है, तो वो कितना फोर्स लगाता है जब चार्ज सेम हो, तो वो कहता है जो फोर्स है ना वो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ चार्ज के। या मैं आपको बता देता हूँ एक एडिशनल पेज लेके, ये देखो जो फोर्स है वो कहता है कि कितना फोर्स लगेगा, वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो कहता है कि जो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेम चीजें, सेम क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट एज इट इज रिपीट होते हैं, कहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहां जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जो फोर्स है वो मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वो भी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है, डिस्टेंस के, दो मास के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है, उसका भी फोर्स, और कूलम्स लॉ का फोर्स। तो बस दोनों में यही, जो क्वेश्चन एज इट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करा है ना, वो मास में भी वही होगा और चार्ज में तो होता ही है, वो तो आपने देख ही लिया। अगर मैं उसकी जगह मास रख दूं ना, नीट ये भी कर सकती है, वहां मास रख के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा किसी भी पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ सकती है, पर आपको घबराना नहीं है, कंसेप्ट तो कंसेप्ट है, किसी भी चैप्टर में आए। तो क्या होता है जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो क्या आता है, क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, बचपन से सुनते आ रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। अरे बाबा आ गया है कांस्टेंट, देखो क्या है, एफ इजकल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, ये जो के है ना इसे कहते हैं डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, बहुत बड़ी चीज है, जेई मेंस में इसमें अंदर अंदर घुस घुस के क्वेश्चन आए हैं, पर नीट ने इतने क्वेश्चन पूछे नहीं है, क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तब इन टॉपिक्स पे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा के,
के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹। के जो है मीडियम पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशन में जो कांस्टेंट आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, वो किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ये मैं आपको चीजें बता रहा हूं ताकि दोनों चैप्टर एक साथ लिंक होकर आप पढ़ सको इजी वे में। तो के जो है 92, के का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इसे कहते हैं एप्सिलॉन, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ई नॉट होता है, इसकी भी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻¹². ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की। जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है। एप्सिलॉन नॉट जो है ना वो मीडियम पे डिपेंड करती है। कैसे, अब दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूं। जो एप्सिलॉन नॉट है ना ये मीडियम पे डिपेंड करती है। कैसे, जो एयर के केस में है ना ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबसे मिनिमम होती है। जैसे जैसे मैं मीडियम बढ़ाऊंगा, जैसे मान लो मैं ई वाटर का पूछूं, तो वाटर में इसकी परमिटिविटी बढ़ जाती है, वाटर में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वाटर में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स की वैल्यू घटती जाएगी? क्यों, बिल्कुल, फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या निकल गया, के की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 / r². तो एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ गई तो फोर्स की वैल्यू घट गई, यही तो मैं बोल रहा हूँ और बोल भी क्या रहा हूँ, यही तो मैंने स्टेटमेंट दी है। जैसे ऐसे मीडियम बढ़ता है एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ती है। क्यों, एप्सिलॉन की वैल्यू जो हमें गिवन होती है बुक्स में वो एयर के केस में, वैक्यूम के केस में सबसे मिनिमम होती है। तो मतलब एयर के केस में अगर दो चार्ज पार्टिकल रखे हो तो उनके बीच में क्या फोर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अगर Q1 Q2 दो चार्ज रखे हैं इनके एयर के केस में, तो इनके बीच में फोर्स सबसे मैक्सिमम लगेगा। अगर मैं इन्हीं चार्ज को पानी के अंदर, अबे भाई ये क्या होगा, ये देखो अगर इन्हीं चार्ज पार्टिकल को मैं किसी पानी के अंदर फेंक दूं तो पहले जितना फोर्स लग रहा था उतना फोर्स नहीं लगेगा, उससे घट जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी फोर्स की वैल्यू घटेगी। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, आपसे नीट में डायरेक्ट इनपे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, पर इसे ध्यान रखना इन कंसेप्ट को। आगे पढ़ते हैं। अब जैसे एक टर्म होता है रिलेटिव परमिटिविटी, क्या टर्म होता है रिलेटिव परमिटिविटी, आपको एक मैं स्टेटमेंट देता हूं, रिलेटिव परमिटिविटी क्या चीज है। जैसे आपने सुना होगा रिलेटिव डेंसिटी, सुना है, वैसे ही रिलेटिव, इसे डिनोट करते हैं ER से, इसे कहते हैं मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एप्सिलॉन एयर की परमिटिविटी। किसी की परमिटिविटी एयर के रिस्पेक्ट में किसी को देखना उसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे अगर मैं बोलूं किसी की रिलेटिव परमिटिविटी 91 है तो क्या मीडियम की परमिटिविटी 91 टाइम्स एयर से ज्यादा होगी? बिल्कुल होगी। क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए तो फंसना मत, रिलेटिव परमिटिविटी पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जामिनेशनों में, आपको मैं चाहूंगा तो एक नेक्स्ट वीडियो बना के सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा कैसे कैसे इस पे क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, ये बेसिक चीज हमने पढ़ी है, फोर कूलम्स लॉ क्या होता है। अब कूलम्स लॉ में क्या दिखा है, अच्छा कूलम्स लॉ जो है अट्रैक्टिव भी शो करेगा नेचर, रिपल्सिव भी नेचर शो करेगा। पर मैं आपको एक चीज बताऊं, कूलम्स लॉ में जो फोर्स निकालनी है ना तो कौन सी फोर्स है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम फोर्स का। मैग्नीट्यूड मतलब मेरे अंदर कितनी जान है, तो जान जब देखूंगा ना तो मैं देखूंगा अंदर मेरे मसल की स्ट्रेंथ कितनी है। तो वैसी ही चीज अगर मैं जब फोर्स निकालूंगा तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या मुझे चार्ज का मैग्नीट्यूड, मुझे इन दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए और डिस्टेंस ये कितनी दूर रखा है। मैं नॉर्मली फोर्स निकाल लूंगा, मुझे क्या मतलब अट्रैक्ट कर रहा है रिपल कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो चीज कर रहा था, कूलम्स लॉ सिर्फ बता रहा है कितना फोर्स है बस। अच्छा मैं आपको एक काम की चीज बताऊं, वो एक एग्जामिनेशन में देख रहा था, बहुत सारी पताल सड़के की टेस्ट सीरीज चलती है, उनमें एक चीज मैंने देखी, वो पूछते हैं कि कूलम्स लॉ वैलिड फॉर, मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीजों में क्वेश्चन देखा है, कूलम्स लॉ वैलिड सिर्फ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मास के लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए सिर्फ, ऑनली ऑन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक्ट अलोंग द सेम लाइन ज्वाइन पे हो, सेम लाइन ज्वाइन पे तभी वो फोर्स एक्ट करेंगे, अगर डिफरेंट लाइन ज्वाइनिंग पे होंगे तो ये फोर्स एक्ट नहीं करेंगे। सोचने के लिए तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, पर जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है ना तो पेंट गिली हो जाती है।
तो ध्यान से करना ये चीज, दो तीन बातें कूलम्स लॉ की ध्यान से रखना। तो ये रहा कूलम्स लॉ, आगे पढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एट वेयर शुड बी प्लेस अ थर्ड चार्ज सच दैट नेट फोर्स इज जीरो। अच्छा, वो कह रहा है कि दो चार्ज है सिस्टम में, अगर मान लो यहाँ पे अगर क्यू वन चार्ज है और यहाँ पे फोर क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है और यहाँ पे फोर क्यू चार्ज है। वो कह रहा है कि ये जो चार्ज रखे हैं, अरे बाबा रखे हैं ना, तो मैं एक थर्ड चार्ज को कहाँ पे प्लेस कर दूं जिसकी वजह से नेट फोर्स उस चार्ज पे जीरो आ जाए। अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज को, मैं तीन जगह बताता हूँ। अब जैसे मान लो यहां भी मैं प्लेस कर सकता हूँ, यहां भी मैं प्लेस कर सकता हूँ और यहां भी प्लेस कर सकता हूँ। आप सोच रहे होंगे ना, सर तीनों जगह करके दिखाओ ना, यहाँ क्यों नहीं किया, आप तो याद करके आओ, बीच में करते हैं क्या? अरे नहीं बाबा नहीं, मैं हर तीनों जगह आपको दिखा देता हूँ। कैसे कंसेप्ट दिखाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे अगर मैं क्यू क्यू नॉट टेस्ट चार्ज करूंगा, अरे ये कैसा चार्ज है नेचर, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसको फेंक देगा इधर। अबे इसने भी फेंक दिया, ये भी पॉजिटिव, ये तो फोर क्यू है, ये तो और तेज से फेंकेगा। अबे चल निकल यहां, तू मत बैठ, ये भी इसको इसी डायरेक्शन फेंकेगा। जब दो फोर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो उनका रिजल्टेंट जीरो होगा क्या? जीरो होने के लिए अपोजिट डायरेक्शन, अगर मैं यहां खड़ा रहूं तो मेरे को इधर से भी इतना फोर्स लगना चाहिए, इधर से भी इतना फोर्स लगना चाहिए, तभी तो मैं स्टेबल होऊंगा। नहीं तो अगर मेरे को इसी डायरेक्शन में खींचते चले जाएंगे, मैं तो यहीं खींचता चला जाऊंगा, होगा ना? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो दोनों को इसी डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो क्या इस पर नेट फोर्स कभी जीरो होगा? नहीं होगा ना। अब देखते हैं यहाँ पे अगर मैंने कोई क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा, ये भी इसको इधर फोर्स से खींचता है, इधर 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 धक्का देता है, ये भी सेम पोलैरिटी का, ये भी इसको इधर धक्का देगा, दो फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो क्या वो उधर एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या वो नेट फोर्स उस पर कभी जीरो आएगा? नहीं आएगा ना। तो यही तो देखना है, जब दोनों पे सेम सेम डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो ही नहीं आ रहा, तो मैं कहाँ रखूं? बीच की तो एक जगह बसती है, यहीं तो रखूंगा। देखो अब देखो क्यू नॉट मैंने यहां रखा, अब ये इसको रिपेल करेगा इधर, ये इसको रिपेल करेगा इधर। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, वो छोटे वाले चार्ज के पास रखेगा क्यों, इसका भी रीजन है। देखो कैसे, ये फोर क्यू है, ये फोर क्यू है, ये क्यू है, फोर क्यू इसको ज्यादा फोर्स लगाएगा। क्यों? फोर्स जो है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि कितना उसका मैग्नीट्यूड है। अगर एक का 4Q है, एक का Q है, तो फोर्स कौन ज्यादा लगाएगा? 4Q। एक का वेट 80 किलो है और एक का वेट 20 किलो है, 80 किलो वाला लगेगा, अबे चल, और 10 किलो वाला ऐसे करता रहेगा, नहीं लगेगा ना। तो देखो, तो ये ना इसको ऐसे करेगा, चल साइड हो, इतना फोर्स लगा देगा कि ये इस वाले चार्ज के पास रहेगा। अगर एक चार्ज पार्टिकल है, उसको एक इधर फोर्स लगा रहा है, एक इधर फोर्स लगा रहा है, एक मुझे 40 किलो का बंदा इधर खींच रहा है, एक मुझे 80 किलो का इधर खींच रहा है, तो मैं तो 80 किलो के वाले के पास चला जाऊंगा ना, और ऐसे खड़ा रहूंगा। क्यों उस तरफ क्यों नहीं जा पाऊंगा? जाऊंगा तो मैं एक जगह उसके पास ही खड़ा रहूंगा, पर मैं खड़ा रहूंगा क्यों? क्योंकि 40 किलो वाले में भी तो जाना है, वो भी तो खींच रहा है, वो भी तो चिकन दबाता है, वो भी तो घास फूस खाता है, तो इसलिए मैं खड़ा तो रहूंगा। तो यहाँ पे छोटे वाले चार्ज के पास इधर आ जाएगा इसका नेट फोर्स जीरो। अब देखते हैं कैसे आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। आओ, एक क्यू चार्ज था, एक फोर क्यू चार्ज था, छोटे वाले चार्ज के पास रखेंगे और मान लो यहां से डिस्टेंस एक्स मान लिया, टोटल डिस्टेंस अगर मेरे पास आर है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, आर माइनस एक्स। अरे बाबा दूसरा पेन ले लेते हैं, ये लो। आओ देखो, अब मैं कह रहा हूं कि इस वाले पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो, मतलब इसको जितना यहां से धक्का मिल रहा है उतना यहां से धक्का मिलेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। आओ देखते हैं, यहां पे मैं लिख दूं एफ जीरो, मान लो ना वहां पे नेट फोर्स जीरो है तो जीरो मान ले, तो मतलब इस तरफ अगर ये एफ वन फोर्स लगाएगा, इस तरफ ये एफ टू फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अभी तो नेट फोर्स जीरो होगा उस डायरेक्शन में, तो एफ वन इक्वल टू एफ टू बोल दूं। बिल्कुल, कूलम्स लॉ क्या कहता है भैया, ये अगर कोई टेस्ट चार्ज है के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना, एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों पे कूलम्स लॉ एप्लीकेबल कर दो, के क्यू नॉट फोर क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ही करेंगे सॉल्व, ये सीबीएसई वाले करेंगे सॉल्व, हम तो नीट वाले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट। अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स के बाद दिखाऊंगा, फॉर्मूले में डालो और आंसर आएगा, दिखाता हूँ मैं अभी। अब इसको भी सॉल्व, कुछ आएंगे ना कुछ कहते हैं कि सर कंसेप्चुअली भी करके दिखाओ, थोड़ा अलग ही लेवल के बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए करके दिखाना पड़ रहा है। पर आपको एक चीज बता रहा हूँ, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो आंसर दिख जाएगा सामने। हंसोगे क्वेश्चन को देख के, अरे कैसा क्वेश्चन आ गया। पर ध्यान रखना एक चीज फिर से, पोलैरिटी का बहुत गेम आता है भाई जिंदगी में, लड़का लड़की दोनों लड़के लड़के हैं, ध्यान रखना दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, ये बात ध्यान रखना। फॉर्मूला देख के तमीज से लगा लेना, वरना वो गेम खेल देगा, एक पॉजिटिव रख देगा एक नेगेटिव रख देगा, तब यहाँ पे भी नहीं आएगा। कंसेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए कि मैंने बीच में ही क्यों रखा है, यहाँ पे भी तो रख सकता था, यहाँ पे भी तो रख सकता था, क्यों नहीं रखा। तो बीच के लिए मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ सकता ना पहले कर लेंगे, अभी बीच के लिए करते हैं। आओ जब इसको सॉल्व करूंगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट उड़ा देते हैं, क्यू से क्यू उड़ा देते हैं, के से के उड़ा, अबे सब तो उड़ गया, सब कट गया जिंदगी में, सब कट गया। वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, फोर आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अरे बड़ा सुंदर राइटिंग आ रही है, बहुत बढ़िया। आओ इसको सॉल्व करते हैं, देखो वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ओ हो बच्चों बुरा मत मान जाना, लिख तो सकता हूँ ना, टू को स्क्वायर डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर करके काट दूं, काटना तो जिंदगी का गेम है। आर माइनस एक्स इक्वल टू टू एक्स, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री एक्स, एक्स इक्वल टू कितना हो गया आर बाय थ्री, सीधा आंसर। कितना सॉल्व किया, आंसर आया आर बाय थ्री। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक शॉर्ट वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स बताता हूँ, जैसे x इक्वल टू, आपको x का डिस्टेंस बताना था ना कि मैंने बीच में किस पोजीशन पे रखा जिस वजह से उसका नेट फोर्स जीरो आ गया। नेट फोर्स ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, जिस वजह से f नेट जीरो हो गया था। अब मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ क्या सीधा आंसर आएगा। देखो x इक्वल टू अंडर रूट क्यू वन प्लस क्यू टू इंटू टोटल सड़क, मतलब टोटल डिस्टेंस। अरे वही बात है यार, देखो अब मैं आपको इस दिखाता हूँ, मैंने कितना तामझाम किया, सब जाके आंसर आया, आंसर तो आ गया। पर एक ट्रिक देखते हैं, क्यू वन में स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज रखेंगे, क्या रखेंगे स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज, और क्यू टू में क्या रखेंगे कैपिटल बिगर चार्ज का मैग्नीट्यूड रखेंगे। देखो अरे बाबा ये क्या हो गया, छोटे वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है क्यू नॉट, बड़े वाला चार्ज का फोर क्यू, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, चार्ज की पोलैरिटी से कोई मतलब नहीं है। तो आओ मैग्नीट्यूड रखते हैं क्यू। अब देखो एक्स, छोटे वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना था, ये क्यू था और यहाँ फोर क्यू था, तो छोटे वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट वन प्लस अंडर रूट फोर इंटू टोटल डिस्टेंस आर। अंडर रूट वन का अंडर रूट कितना होता है वन का अंडर रूट वन, फोर का अंडर रूट टू मल्टीप्लाई में आर। अबे बाबा ये क्या हो गया, सीधा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरा तामझाम किया सब जाके पूरा आंसर आया आर बाय थ्री, एक लाइन में आंसर किया आर बाय थ्री निकल के आ गया, ये क्या जलवा हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला मिल तो जाएगा पर ये कब एप्लीकेबल है, जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के नेचर के चार्ज हो तभी ये फॉर्मूला लगा देना, वरना अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ गया गड़बड़ हो जाएगा मामला भाई, बता रहा हूँ पहले मैं, गड़बड़ हो जाएगा आंसर, पहले वो कुछ और करके देंगे, गलत करके आ जाओगे, बाहर आके कहोगे ओ ये मेरा तो सिलेक्शन पक्का, मेरे तो इसमें चार नंबर पक्के, पर जैसी आंसर की आएगी सर पकड़ के बैठ जाओगे, मैं सच बता रहा हूँ। अब इसका एक पॉजिटिव नेगेटिव वाला दोनों करके देख लेते हैं। देखो अब देखो अगर यहाँ पे एक प्लस क्यू है और यहाँ पे एक माइनस फोर क्यू है, सेम क्वेश्चन को मैं पोलैरिटी बदल देता हूं। अब सबसे पहले एक लड़का और एक लड़की है, ठीक है,
एक आप सोच रहे हो कि मैं लड़का लड़की क्यों कर रहा हूँ, बंदों का समझ ही उसी से आता है, चार्ज तो किसी को याद ही नहीं रहता, वो लड़की वो लड़का यही चीज ही करते रहते। अब देखो मैंने जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे तो बीच में रखा था, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे तो बीच में रखा था, अब मैं आपको तीनों जगह रख के दिखाता हूँ, आपको खुद पता चलेगा कि कहाँ रखेंगे कहाँ नहीं रखेंगे। छोटे वाले चार्ज के घर के बाहर रख देते हैं एक, दोनों चार्ज दोनों घरों के बीच में रख देते हैं दो, बड़े वाले चार्ज के घर के बाहर रख देते हैं। ये बहुत बड़ा सेट है, ये थोड़ा कम सेट है, और ये तो गरीब आत्मा है। ठीक है आओ देखते, सबसे पहले बच्चे ये वाला क्वेश्चन देखते कहेंगे बीच में रखेंगे, आंसर याद कर लिया है, आओ देखते हैं बीच में क्या करता है। अगर मैंने यहाँ पे कोई Q0 टेस्ट चार्ज रखा तो ये वाला पॉजिटिव पोलैरिटी का नेचर है, पॉजिटिव पॉजिटिव को देखते ही पहली स्लाइड से बताता आ रहा हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव को देखते ही फेंकेगा उसको, चल निकल यहां से, तो इसको रिपेल मारेगा, इधर मारेगा इधर मारेगा, नेगेटिव अरे बाबा इधर आ बहुत पैसा है तो वो खींचेगा, नेगेटिव वाला अपने पास खींचेगा, तो ये भी तो इसी डायरेक्शन में खींचेगा, जब दो दो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो रिजल्टेंट कभी जीरो आएगा नहीं आएगा ना, तो यहां तो रख ही नहीं सकते। आओ अब देखो यहां रख के देखते हैं, बड़े वाले सेठ के घर के पास रख के देखते हैं, बड़े वाला सेठ के पास रखते हैं, देखो एक सेठ जी है बड़े सेठ, ये -4Q है, 4Q है, फोर्स जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 4Q है मतलब ये सेठ बड़ा है, तो मतलब इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, तो ये इसको खींच लेगा, एक 100 किलो का बंदा एक 20 किलो के बंदे को तो ऐसे करेगा, अबे आ ना कहाँ जा रहा है इधर आ, ये इसको जाने नहीं देगा, होगा क्या ये इसको अबे इतनी तेज खींच लेगा कि ये वाला इसको रिपेल ही नहीं करेगा, होगा क्या ये -4Q इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये रिपेल ही नहीं कर पाएगा, अबे 100 किलो के बंदे ने 20 किलो के बंदे को ऐसे पकड़ रखा है, इधर आ इधर पकड़ लिया, और उसको 20 किलो का बंदा एक 30 किलो का बंदा उधर खींच रहा है, वो खींच नहीं पाएगा, वो एक सेठ है अबे कहाँ जाएगा जा ही नहीं पाएगा, ये देख तो यहाँ पे भी नहीं रख पाएंगे, ये इसको ज्यादा इसकी फोर्स ज्यादा लगेगी ना तो अपने आप को कुछ ज्यादा खींच लेगा, ये इसको इतना रिपेल नहीं कर पाएगा, जिस वजह से यहाँ पे भी नहीं रख पाएंगे। अब देखो क्या रखते हैं, अब यहाँ पे Q0 पे रखते हैं, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आओ देखते हैं, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, अब यहां रखते हैं, ये बीच की डिस्टेंस कितनी थी आर, बचा हुआ कितना हो जाएगा एक्स। ठीक है, यहां पे अगर मैंने मान लिया कि छोटे वाले चार से छोटे वाला फंसता है हमेशा, बड़े वाला तो बच के निकल जाता है, तो छोटे वाला फंस रहा है, तो छोटे वाले चार से बाहर की तरफ एक्स डिस्टेंस दूर रखा था, जब दो चार सेम पोलैरिटी के थे अब बीच में रखा था। अब मैं आपको बताता हूं कैसे, देखो अब ये मैंने इसको रखा बाहर, ये अब मैं इसमें लगाता हूँ कूलम्स लॉ, यहां तो इसको मिटाता हूं, ये देखो अब मैं लगाता हूं कूलम्स लॉ, यहां मैं मान लेता हूं एफ नेट जीरो है, पहले एक यहां पे कोई Q0 टेस्ट रखा, पहले इन पे कूलम्स लॉ लगाया, फिर इस पे और इस पे कूलम्स लॉ लगाया, देखो तो के Q0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे किया, इसको फिर से पूरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, के Q0 4Q अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, Q0 से Q0 कैंसिल, Q से Q कैंसिल, K से K कैंसिल, 1/x² इज इक्वल टू 4/r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, आओ इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या आया था 1/x² इज इक्वल टू 4/r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x² का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, r प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो r इज इक्वल टू x, मतलब x जो है वो r सेंटीमीटर और आगे रखेंगे तो जिसपे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, सही आया समझ आया बिल्कुल। अब देखो इतना तो हम करेंगे नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी तो बस देख लेना है, और मैं आपको इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको इजीली सॉल्व कर सकते हो, आओ देखो करते हैं इस पे में, इसका एक ट्रिक है, जैसे
एक्स इजकल टू, एक्स इजकल टू अंडर रूट क्यू वन, इसमें छोटे वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड रखते हैं, अंडर रूट क्यू टू माइनस अंडर रूट क्यू वन इन टू आर। क्यू वन वही छोटे वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, क्यू टू बड़े वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। एक क्या था यहाँ पे, क्यू था और एक क्या था, माइनस फोर क्यू था। तो जब मैं इसको रखूंगा सॉल्व करूंगा तो देखो वैल्यू आपके सामने नजर आएगी। एक्स की जगह छोटे वाला चार्ज कितना है, अंडर रूट वन, बड़े वाला चार्ज कितना है, अंडर रूट फोर माइनस अंडर रूट वन इंटू आर। तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू माइनस वन इंटू आर। तो कितना आ गया, आर आ गया, एक्स की वैल्यू आर के बराबर आ गई सीधा। अरे बाबा ये क्या हो गया, एक्स की वैल्यू सीधा आर के पास आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने सीख लिए, चाहे वो पॉजिटिव पोलैरिटी की हो चाहे वो नेगेटिव पोलैरिटी की हो। आपको मैं हर एक कंसेप्ट हर एक तरीके से बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। इसका आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन आएगा इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का, आप कर देंगे, इजीली कर देंगे। आप नहीं करेंगे तो वीडियो को बैक जाके देख लो दोबारा। मैंने एक एक चीज समझाई आपको कि कहाँ रखेंगे कहाँ नहीं रखेंगे, बीच में रखेंगे तो क्यों रखेंगे, साइड में रखेंगे तो क्यों रखेंगे, अब बड़े वाले चार्ज के पास रखें क्यों नहीं रखेंगे, उसका भी मैंने आपको रीजन बताया। वो फोर्स ज्यादा लगाएगा, छोटे वाला उतना लगाने नहीं लगेगा, तो जिस वजह से वो उसको खींच लेगा और उस पर उतना फोर्स लगेगा नहीं अपोजिट डायरेक्शन में, जिस वजह से वहां पे नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं आएगी। आगे देखते हैं, अब है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक छोटी सी चीज है, जैसे आपने सुना होगा लड़के अपने चारों ओर ऐसे ऐसे नजरें फेराते हैं, आसपास कोई लड़की है बिल्कुल है, कोई सुंदर सी लड़की दिख गई ऐसे ऐसे करेंगे आंख मारेंगे मजाक कर रहा हूँ। वैसे ही चार्ज अपने चारों ओर ना एक फील्ड लाइन जनरेट करता है ऐसे चारों तरफ। अब उस फील्ड लाइन जनरेट करने के ना तो आपको चार्ज वार से तो कोई मतलब होगा नहीं, तो लड़के लड़कियों में ज्यादा समझ आता होगा, इसलिए मैं थोड़ा वहां समझाता हूँ। तो लड़की अपने चारों ओर ऐसे अपनी सुंदरता ऐसे सिक्रीट करती है, उस कॉन्टेक्ट में कोई लड़का आ गया तो फंस जाता है, कोई नहीं आया तो नहीं फंसता है। वैसे ही सेम सिनेरियो ऐसे ही होता है, चार्ज जो है अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिक्रीट करता है, ऐसे जनरेट करता है। सिक्रीट एक बायोलॉजी वर्ड है, क्यू नॉट एक कोई यही अपने चारों ओर ऐसे 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 एक फील्ड लाइन जनरेट करता है। अगर इस फील्ड लाइन में कोई भी चार्ज आया तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और वो कितना फोर्स लगता है वो डिपेंड करेगा कितनी दूर है। देखो अगर मान लो इस फील्ड लाइन में कोई फोर्स कोई चार्ज आया तो इसके ऊपर कुछ इंटेंसिटी ऑफ फील्ड लगेगी, डिपेंड करेगा वो कितनी पास आ रहा है। अगर वो पास आ रहा है इस चार्ज के तो उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर वो दूर जा रहा है तो उसके ऊपर फोर्स कम लगेगा। तो इसी को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रही है किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए। समझ आया, तो देखो अब देखो ये क्या, इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज है ना, कितना फोर्स लगा के क्यू क्यू नॉट, इसको मैं एक टेस्ट चार्ज बोल देता हूँ, ये लो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, और कूलम्स लॉ का फोर्स, कूलम्स लॉ के फॉर्मूले में और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कुछ कुछ चेंजेस है, ध्यान से रटना समीज से रटना। के क्यू बाय आर स्क्वायर है, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर है, याद रखना सही से याद रखना, पता चले एग्जामिनेशन में के क्यू क्यू की पुट कर दिया। ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज कंक्लूड नहीं होता, ये पॉजिटिव नेचर का है, इसका मैग्नीट्यूड भी वन है, इसको हम कंक्लूड नहीं करते, पर अल्टीमेटली इसका फॉर्मूला ये है कि कट जाता है अपने आप यहाँ पे, तो हम कर भी क्या सकते हैं, जब अपने आप ही कट जाता है तो हम कुछ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसका फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। सेम टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करता है, सेम टाइप दो, जैसे वहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के वो थे ट्रायंगल वाले क्वेश्चन, अरे ये वाले क्वेश्चन थे देखो। तो यहाँ पे अगर क्यू नॉट क्यू चार्ज ये ए है ये बी है ये सी है, अब देखो यहाँ पे अब मुझे निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ई नेट एट सी, अगर ये निकालने के लिए मेरे से पूछा जाए तो वही सेम कंसेप्ट हर चीज सेम करेंगे, सिंपली फॉर्मा लगा देंगे ई नेट इजक्वल टू ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कॉस थीटा, टू ई वन ई टू कॉस थीटा,
तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जैसे यहाँ पे वैल्यू डालेंगे कॉस थीटा की, तो वैल्यू आएगी √3/√3 × E। तो यही सेम सिनेरियो, वहां फोर्स भी √3 आ रहा था, यहाँ ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी √3 आ रही है। तो बस सेम टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वही ट्रायंगल वाले, वही स्क्वायर वाले, वही पोलैरिटी चेंज करने वाले, वही प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस वाले। थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करें जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, वो ये क्वेश्चन बनेगा। अच्छा मैं चलो आपको होमवर्क देता हूँ, जैसे अगर मान लो यहाँ पे प्लस क्यू है, -4Q है, तो आप बताओ कहाँ पे प्लेस करें जहां पे नेट ई नेट जीरो आ जाए। वेयर शुड बी प्लेस अ थर्ड चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो वैसे ही सेम कंसेप्ट लगाना है, बस यहाँ पे नाम चेंज है। नाम चेंज होने से क्या होता है, कंसेप्ट तो कंसेप्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कुछ कुछ ना प्रॉपर्टीज भी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज के रेडियली इनवर्ड होती है, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, इलेक्ट्रिक फील्ड डजंट फॉर्म क्लोज लूप, डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। होता क्या है, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। अच्छा इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं नीट में, मैं आपको वो बताता हूँ। अब देखो क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप तो सोचोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, कौन पढ़ के जाए, अरे यही तो फंसा देगी गेम, गेम यही फंस जाएगा। देखो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है और कई टाइम रिपीटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लो देखो अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे लाइन बना देगा, टै टै टै, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, अब वो क्या कहेगा, ए बी ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी प्रॉपर्टी ही नहीं पढ़ के जाएंगे, तो बताएंगे क्या कि किधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा किधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम, किसी को तो सही दिख रही होगी, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगी। पर मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जहां डेंस वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उसकी। तो देखो वो सीधा पूछता है कि बताओ ई ए ई बी ई सी कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा डेंस वहां इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा डेंस है, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा हुई, तो मतलब सिंपल ई सी ज्यादा फिर ई बी फिर ई ए। अच्छा वो ऐसे घुमा भी सकता है, वो सिंपल ही पूछ देगा, एक सिंपल सीधी सीधी लाइन दे देगा, पूछेगा ए बताओ कितनी है, बी बताओ कितनी है, सी बताओ कितनी है। तो जब इक्यू डिस्टेंस पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी, जितनी ई ए पे होगी उतनी ई बी पे होगी उतनी ई सी पे होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आओ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज थी जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जाते हैं। एक और क्वेश्चन है वो कई टाइप के जो पिछले चैप्टर्स में आए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा वो अगली वीडियो में क्वेश्चंस के फॉर्म में। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है अब देखो, अब ये क्वेश्चन आता है वो फर्स्ट नियर फाइंड है, यहाँ होगा फाइंड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज। क्या है, सेम कंसेप्ट है, कहीं पे निकाल लो, दो चार्ज थे एक पॉजिटिव नेगेटिव, जब मैंने नेट फोर्स जीरो निकाला तो मैंने बीच में रखा, बीच में नहीं रखा था छोटे वाले के पास रखा था, क्यों रखा था इसका भी मैंने लॉजिक बताया था, वहां पे नेट फोर्स जीरो है। फिर मैंने छोटे वाले के बाहर रखा था, क्यों रखा था उसका भी मैंने लॉजिक बताया, नहीं आया समझ तो वीडियो को दोबारा जाके रीबैक देखो, हर चीज क्लियर हो जाएगी। एक एक कंसेप्ट बताया कि क्यों वहां पे रखा और क्यों बाहर नहीं रखा। तो अब वो सीधा कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट पे हम कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट पे निकालने का क्या तरीका है, देखो अगर यहाँ पे Q और माइनस Q है और यहाँ पे मेरे को बोल रहा है ये मान लो मैं डिस्टेंस टोटल मान लू R, जब डिस्टेंस दिया ही नहीं है तो अपनी तरफ से मानना तो पड़ेगा, क्यों नहीं मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा ना, देखो R, अब देखो होता क्या है, ये Q है ये -4Q है, तो इसके बीच में क्या कैसे निकालूंगा, यहाँ पे अगर मैं कोई क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख दूं, अगर मैं क्यू नॉट कोई टेस्ट चार्ज रखूं तो ये इसको किधर रिपेल करेगा, इधर अपोजिट डायरेक्शन में,
नेगेटिव वाला इसको खींचेगा। इधर तो कोई मतलब नहीं ना, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। हमें तो सीधा कह रहा है कि मिड पॉइंट पे निकालो। जब मिड पॉइंट पे निकालने वाली बात आ गई तो हम बीच में रख, बीच में बोला गया है कि बीच में बताओ। तो देखो ई मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को ऐसे बोल देता हूँ, दोनों फोर्स इसको बोल देता हूँ ई वन, इसको बोल देता हूँ ई टू। जब सेम डायरेक्शन में लग रहे हो नॉर्मली हम ऐड कर देंगे ई वन प्लस ई टू, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ई वन का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाय आर स्क्वायर, सिंपल। अब जब के क्यू की वैल्यू में दी हुई है के क्यू बाय, अब देखो टोटल डिस्टेंस आर है, पर एस चार्ज से इस वाले चार्ज की डिस्टेंस कितनी होगी, आर बाय टू ही तो होगी। तो के क्यू बाय आर बाय टू का होल स्क्वायर प्लस के फोर क्यू बाय आर बाय टू का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे जिसकी वजह से नेट ई नेट आ जाएगा। क्या होगा ई नेट, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आसान तो था, नॉर्मली हम दोनों चार्ज के मिड पॉइंट पे निकाल के ऐड कर देंगे। हमें कोई मतलब थोड़ी है, वो ऐसे कह थोड़ रहा है कि पोजीशन निकालो जहां नेट फोर्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, नहीं कह रहा ना ऐसा कुछ, तो फिर हमें करना ही क्यों है। जब वो कह रहा है, उसने हमें लोकेशन डिफाइन कर दी है कि मिड पॉइंट पे निकालना है, तो मिड पॉइंट पे हम निकालेंगे, चाहे वो सेम डायरेक्शन में आ रही हो चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। आओ आगे करते हैं। देखो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, जब चार चार्ज का ही काम चल रहा है, आपने केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा डाइपोल, वो तो केमिस्ट्री वाले जाने। फिजिक्स का इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, शायद ऐसा ही होगा, केमिस्ट्री का भी कुछ अपोजिट चार्ज रख रहे होंगे, पता नहीं मुझे। फिर फिजिक्स का तो क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जैसे मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, डाइपोल मतलब जोड़ा कपल। तो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक छोटे डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, टू ए डिस्टेंस, मिड पॉइंट से ए डिस्टेंस और मिड पॉइंट से ए डिस्टेंस, अच्छा ये हो गया सर डाइपोल, हाँ ये डाइपोल। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, पी इज इक्वल टू क्यू इन टू टू ए। अच्छा मैं आपको बताऊं डाइपोल दिखता कैसे, देखो अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अगर मेरे को कोई बोले ये 5 कूलम का चार्ज है और ये -10 कूलम का चार्ज है और ये 10 सेंटीमीटर दूर डिस्टेंस है, तो क्या ये डाइपोल है, ये डाइपोल है क्या, ये डाइपोल नहीं है। क्यों नहीं है, दो इक्वल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इक्वल है क्या, 5Q 10Q इक्वल है क्या, यही मामला गड़बड़ है। हाँ अपोजिट पोलैरिटी का जरूर है, ये प्लस क्यू है ये -5Q ये -10Q है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 सेंटीमीटर अभी डिस्टेंस की तो बात ही नहीं है। हाँ मैं डिस्टेंस इसको बोल दूंगा ये 2A के बराबर है अगर चार्ज सेम होते सब। इसी की जगह मैं ऐसे कर दूं प्लस कूलम और -5 कूलम, ये 20 सेंटीमीटर पे सिचुएटेड है, क्या ये डाइपोल है, हाँ बिल्कुल डाइपोल है। हाँ तो इसमें सीधा करेंगे, अच्छा मुझे बताना ये जो 20 सेंटीमीटर है ये 2A है या ई है। अरे बाबा डाइपोल में जो डिस्टेंस होती है वो टोटल होती है, ये टोटल डिस्टेंस है, तो ये 2A इज इक्वल टू 20 है भाई, ये मिड पॉइंट से A होता है, ये मिड पॉइंट से तुझे डिस्टेंस दिया है क्या, नहीं दिया ना, तो फिर तो मतलब 20 दे रखा है तो मतलब वो 2A दे रखा है, तो ये गलती मत करना, पी फिर फॉर्मूला लगा देना, जो फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2A, सिंपल। अब देखो मैं इसका एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हर बार आता है। देखो होता क्या है, अब डाइपोल देगा तो नहीं, वो ट्रायंगल में क्या बोलेगा, अरे बाबा ये रहा एक क्यू एक -2Q एक Q, अब बोलेगा ए बी सी, डाइपोल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी एंगल पे डिपेंड करता है कि कितना कितना एंगल है। तो मैं आपको बताता हूं, देखो अब -2Q पे मुझे नेट डाइपोल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वही पहले। अच्छा मैं एक आपको चीज बताना भूल गया, क्या बताना भूल गया, अरे बाबा डाइपोल जो होता है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव क्यू से निकलता है तो नेगेटिव क्यू पर जाता है, पर डाइपोल के केस में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्यों होता है, डाइपोल के केस में ये सिनेरियो अपोजिट हो जाता है, क्या हो जाता है, डाइपोल के केस में नेगेटिव से निकलता है और पॉजिटिव की टुवर्ड जाता है,
नेगेटिव से निकलता है पॉजिटिव के, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होता है, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव की तरफ जाता है, डाइपोल डाइपोल अपोजिट चीज है, अपोजिट। आओ फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। हाँ ये देखो बी पे निकालना है ना मुझे, तो बी पे कैसे निकालेंगे, देखो बी पे कैसे निकालेंगे, पेन ले लेते हैं बढ़िया सा, ये लो बी पे निकालना है। अभी तो ये डाइपोल ही नहीं है यार, सर आपने ही तो बताया दो अपोजिट पोलैरिटी के होने चाहिए, सेम चार्ज होना चाहिए, डिस्टेंस 2a पे होना चाहिए। डिस्टेंस तो चलो ठीक है, कल को हम मान लेंगे 2a, पर यहाँ तो चार्ज ही सेम नहीं है, तो ये तो डाइपोल है, मुझे तो डाइपोल बनाना पड़ेगा तभी तो वेक्टर क्वांटिटी की तरह मैं उसका रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ, यहाँ तो डाइपोल ही नहीं है, फिर कैसे निकालेंगे। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा तो मैं इससे गेम खेल सकता हूँ क्या, मैं इसको माइनस क्यू और माइनस क्यू कर सकता हूँ। अरे बाबा अब तो डाइपोल बन गया, बिल्कुल बन गया भाई, माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू, दो डाइपोल की हमें वो आ गई पोलैरिटी, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, तो हम क्या इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर डाइपोल 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 नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो एक डाइपोल अलाइनमेंट, एक नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, एक डाइपोल अलाइनमेंट, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आओ देखते हैं, एक है इस डायरेक्शन में, एक डाइपोल है इस डायरेक्शन में, एक डाइपोल है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो बस कुछ सिंपल सा फॉर्मूला, जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो लगा दो, जो पिछले इलेक्ट्रिक फील्ड उससे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स उससे भी करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला सेम है, तो हर जगह सेम है, यहाँ पे भी घुसा दो यहाँ पे भी लग जाएगा। अब देखो ये इस तरफ ये इस तरफ, इनके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। अबे करना क्या है, सीधा फॉर्मूले में डाल आंसर आएगा। ये देख पहले पहले गेम में ट्विस्ट क्या था वो समझ लिया, इसने दे दिया माइनस टू क्यू चार्ज डाइपोल के लिए, एक लड़का और एक लड़की सेम मैग्नीट्यूड के, मतलब सेम वजन के, सेम सुंदरता के, तब वो डाइपोल बनेंगे। अगर एक ज्यादा सुंदर लड़का हो गया या ज्यादा सुंदर लड़की हो गई तो वो डाइपोल नहीं बनेंगे। डाइपोल के लिए क्या हुआ, सेम चार्ज सेम मैग्नीट्यूड, तब वो डाइपोल देंगे। ध्यान रखना ये बात, सावधानी हटी दुर्घटना घट जाएगी उसी टाइम, आपको ये डाइपोल दिखेंगे ही नहीं, तो होगा कैसे सॉल्व। तो देखो ये माइनस टू क्यू था, तो पहले मैंने लड़की को बोला अबे ज्यादा सुंदर है, थोड़ा धूप पे घूम, काली हो, लड़के के जैसे बन, फिर वो डाइपोल कहलाएगी। कपल तभी तो कहलाएंगे, कपल मतलब दोनों सेम नेचर के होंगे ना, तभी तो। ये देखो माइनस टू क्यू था, मैंने इसको तोड़ दिया, अबे चल जा धूप में घूम, काली हो। ये देखो तो ये माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू, एक डाइपोल, दोनों के बीच में कितना 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सा बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं रिजल्टेंट का, लगा दो पी स्क्वायर प्लस टू पी पी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री तो बच्चे बच्चों को पता होगा, कॉस 90 डिग्री सीधा जीरो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी इजकल टू अंडर रूट 2p। सिंपल सा इतना आंसर था, पहले ही रिजल्टेंट वो पहला ही ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस, बच्चे कहेंगे तो डाइपोल ही नहीं है, तो नन ऑफ दिस कैसे बन जाएगा, तो आपको दिखाया मैंने कैसे बनेगा। आओ डाइपोल भी हो गया, सब कुछ हो गया, अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया, डाइपोल भी हो गया, सब कुछ हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में भी डिस्टेंस हमने निकाल लिया, कैसे निकलेगा, डाइपोल पे भी निकाल लिया। अब देखो अगला क्या है, टॉर्क, छोटी छोटी सी चीजें हैं, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो टॉर्क और कपल एक चीज है जो आपने पढ़ी होगी, रोटेशन, किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए अगर कोई चीज चाहिए तो वो है टॉर्क वाली फोर्स। अगर किसी बॉडी को ट्रांसलेट करने के लिए कुछ चाहिए तो उसे कहेंगे ट्रांसलेटरी। तो देखो अब देखो, अगर यहाँ पे एक डाइपोल की अलाइनमेंट थी तो वहां पे टॉर्क लगेगा तभी तो ऐसे ऐसे घूमेगा, अबे तभी तो गुलाटी मारेगा, सीधा समझो ना, गुलाटी मारने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंज है और यहाँ पे मैंने कोई डाइपोल रख दिया प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहाँ पे जो टॉर्क चाहिए उस टॉर्क का क्या फॉर्मूला है, पीई साइन थीटा, सीधा डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, सीधा पीई साइन थीटा में रखो आंसर आएगा। अब आपको सीधा पता है क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है रिजल्टेंट, पीई साइन थीटा। अब कोई ज्यादा नहीं आएगा, आपको डाइपोल भी दी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी जाएगी। अगर डाइपोल आपको ना देके वो कुछ कुछ घुमाता भी है क्वेश्चनों में, क्या घुमाता है, वो पी की जगह क्या दे देगा, पूछ लेगा टॉर्क पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, चार्ज बता दो चार्ज कितना होगा, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना बिल्कुल, तो फिर टेंशन किस बात की है। तो इसमें चार्ज निकाल सकते हैं हम, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, टॉर्क भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं।
तो आओ देखते हैं इसको करते कैसे। इसके में एक चीज पूछा जाता है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना होगा। मिनिमम के लिए क्या चाहिए, कंडीशंस होती हैं। वो पूछेगा कि टॉर्क स्टेबल कंडीशन में कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो टॉर्क मिनिमम, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब गुलाटी मारने वाली फोर्स ज्यादा हो जाएगी और बहुत तेज तेज गुलाटी मारेगी। डाइपोल, कौन डाइपोल ना, तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्या होती है। आपको मैंने मैक्सिमम पार्ट करा है, कवर किया है, मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, आपने देखना बहुत अच्छी वीडियो बनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं और बहुत अच्छे अच्छे वाले सारे वेरिएशन टाइप के आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पढ़ने पहले आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले आप एक चीज पढ़ो, जैसे एरिया वेक्टर। क्या होता है एरिया वेक्टर? अरे बाबा पेन बदल लेते हैं, सारे रेड रेड सही नहीं लगेगा। देखो एरिया वेक्टर, अरे कुछ नहीं यार, मैं ऐसे खड़ा हो गया, सरफेस के मैं क्या हूँ, एरिया वेक्टर। बस आपने क्लास 11 पढ़ा होगा, नॉर्मल फोर्स सरफेस से कुछ भी चीज ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर हो जाए वो क्या है, नॉर्मल। तो वैसे ही सरफेस से यार कोई भी परपेंडिकुलर लाइन खींच लूं, क्या है, एरिया वेक्टर। बस इतनी सी चीज समझ लो, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, अगर फ्लक्स मतलब कितना एंटर हुआ और कितना एग्जिट हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कितनी फील्ड लाइन अंदर घुसी कितनी बाहर निकली, समझ आया भाई। अगर यही मैग्नेटिक फ्लक्स की बात आ जाए, सेम चीज पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, किसी भी क्लोज लूप से कितनी चीज अंदर घुसी कितनी चीज बाहर निकली, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स। कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो आप देखो, अगर मैं कोई बनाता हूँ क्लोज सरफेस, कितनी फील्ड लाइंस अंदर घुसी, जितनी अंदर घुसी उतनी ही बाहर निकल गई, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा ना, बिल्कुल। देखते हैं अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, जीरो तो कॉमन सेंस से होगा, पर फिजिक्स से कैसे जीरो होगा वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सीधा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा। आओ एक क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मल सा बहुत बेसिक लेवल वाला, जो आपको बताएगा कैसे होगा। देखो अगर मान लो मैंने कोई लिया एक क्यूब, एक क्यूब लिया, बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। कोई बोले अरे सर फ्लक्स बता दो, जीरो होगा। अरे यार जीरो तो होगा, समझ रहा हूँ गिरीश सर से पढ़ा है, जीरो बता देगा। इधर सुन, क्यों जीरो होगा, सिंपल सी बात है, कोई चीज जितनी घुसेगी उतनी तो बाहर निकलेगी, तभी तो फ्लक्स जीरो होगा, एंटर जितना होगा उतना एग्जिट होगा। अब देखो क्वेश्चन करेंगे कैसे, फ्लक्स जो है ना एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इस क्यूब में कितने सरफेसेस हैं? 6। अरे किसी को तो यही नहीं पता होगा क्यूब में सरफेस कितने तो क्यूब देख लेना घर जाके, माचिस है। अरे तुम्हारा तो कमरा है, जिस कमरे में बैठे हो वही तो क्यूब है, और क्या है, पेट वेट मत देख लेना, वो क्यूब नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो इमेजिन करना पड़ेगा, उधर 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 कुछ होता है, ठीक है, समझ आया। 6 सरफेस है। फ्लक्स कैसे निकालेंगे? अरे बाबा फ्लक्स दे तो दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे तो दो, किस डायरेक्शन में जा रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है आई डायरेक्शन में, बोल देता हूँ, मान लो मैं आई डायरेक्शन में जा रही है। थोड़ा पेनवा चेंज कर लेते हैं, सारे एक ही पेन से मजा नहीं आएगा। आओ अब जब देख, इलेक्ट्रिक फील्ड बह रही है इस डायरेक्शन में, सिंपल सा अगर कोई बच्चा दिमाग लगाएगा ना, वो बोलेगा सर जितनी फील्ड लाइन जा रही है उतनी बाहर निकल जाएगी। सर कैसे जाएगी भाई, कैसे बताएगा कि तू सारी फील्ड लाइन उसी सरफेस से बाहर निकल रही है, कहीं अटकी रह गई तो, अगर फील्ड यूनिफॉर्म ना हुई तो क्या करेगा? तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हो। फ्लक्स जो है एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी है, तो मेरे को ना फिजिक्स में प्रूव करने के लिए हर एक सरफेस से बताना पड़ेगा, उसके 6 सरफेस है। क्या एक डब्बा है, फील्ड लाइन इधर से जा रही है इधर ही जाएगी, इधर से जा रही है इधर से जा रही है इधर से ही निकलेगी। तो मुझे फिजिक्स बोलती है नहीं बाबा नहीं, प्रूव करके दिखाओ ऊपर वाले सरफेस से कितनी फ्लक्स निकलेगी। कॉमन सेंस है यार, वहां से फ्लक्स निकलेगी कैसे, जब फील्ड डायरेक्शन जा रही है एक्स डायरेक्शन में, कैसे निकलेगी, नहीं निकलेगी ना। तो देखो नॉर्मली कैसे करेंगे, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं, ई डॉट डी एस कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के जो बीच का एंगल है वो है कॉस थीटा। अब देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में, पेनोवा चेंज कर लेगा, कर लेते हैं आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स डायरेक्शन में अगर मैं बोलूं फर्स्ट सरफेस से, ये जो सरफेस है फर्स्ट, इससे कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है? कुछ फील्ड लाइन पास हो रही है? नहीं हो रही ना। जब फील्ड लाइन ही पास नहीं हो रही तो फ्लक्स ऐसे आएगा। पर ध्यान रखना ये चीज, इसका लॉजिक नहीं है। इसका लॉजिक क्या है? इसका एरिया वेक्टर इधर, इसकी फील्ड लाइन इधर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो फ्लक्स जीरो है, तब जीरो है। समझ आया क्या? आ गया बिल्कुल। कॉमन सेंस तो कहती है जब उस जगह फील्ड लाइन जा ही नहीं रही तो फ्लक्स जीरो कैसे होगा। तो देखो अब सेम सिचुएशन ऐसे इधर भी होगा। एरिया वेक्टर बताया था सरफेस के परपेंडिकुलर कोई भी चीज, वो एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इधर, फील्ड लाइन इधर, तो इनके बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। फिर वही बात, फ्लक्स जीरो। मेन फंसेगा मामला फोर्थ में और सेकंड में, फिफ्थ में और सिक्स्थ में भी यही होगा। एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। जब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल ही 90 डिग्री होगा तो वहां से फ्लक्स क्या पास होगा? पास होगा, फ्लक्स तो पास नहीं होगा, पर कॉस थीटा की वजह से वो 0 डिग्री होगा, तो नेट फ्लक्स वहां 0 होगा। तो फोर्थ का और सिक्स का, सेकंड का और फोर्थ का, सेकंड का और फोर्थ का छोड़ के बाकी सब 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो नेट फ्लक्स ऐसे निकालूंगा, फाइव इज इक्वल टू फाइव टू प्लस फाइव फोर। अब देखो जो ये वाला सरफेस है, फोर सरफेस है, फोर सरफेस में एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, एंगल कितना? 0 डिग्री। तो पहले फाइव टू की बात कर लेते हैं। एरिया वेक्टर भी सरफेस का इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना? 0 डिग्री। तो कैसे लिख सकता हूँ? ई डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ई डॉट डी एस कॉस 180 डिग्री। बच्चे बच्चों को पता होगा कॉस 180 तो माइनस वन। फाइव इज इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री कितना? 1 प्लस ई डॉट डी एस कॉस 180 डिग्री कितना? माइनस वन। कट के सीधा ही 0 हो गया। ऐसे प्रूव करके दिखाना था किसको? बोर्ड वालों को। पर अब मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूँ, किसको? नीट वाले के लिए एक स्टेटमेंट बताता हूँ, बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, याद कर लो, काम खत्म। बसरते इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए हर जगह, तभी वो 0 होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी चेंज हो गई ना तो मामला फंस जाएगा, याद रखना। जहां जहां मैंने बोला है ना मामला फंस जाएगा, पीछे वाले स्लाइड्सों में, जहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का गेम है, जहां चार्ज बदला, जहां नजर हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घट गई, याद रखना ये चीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, चार्ज की स्टडी है, जहां उसने पोलैरिटी बदल गई वहां गेम चेंज हो जाएगा, गेम। तो इसलिए ये चीज याद रखना। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, बोला जाता है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, अब आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा यूनिफॉर्म, देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 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 ऑलवेज, ध्यान रखना ऑलवेज ऑलवेज, कोई मतलब नहीं। देखो कैसे, अब देखो क्या चीज मैं बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पहचानने का तरीका आगे वाली स्लाइड भी बता देता हूं। देखो अगर मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे क्यूब है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में, इस वाले सरफेस पे भी इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले सरफेस से भी इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इस वाले डिस्टेंस पे भी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले डिस्टेंस पे भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर मैं केस बदल दूं, अब वो अगर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन में जा रही है, तब अगर मैं ये केस बदल दूं, अगर मैं ऐसे कर दूं, अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट इज इक्वल टू ए है, मतलब इसको आगे मैं बताता हूं, देखो अगर मैं बोलूं E इज इक्वल टू ई नॉट ए है,
ध्यान रखना क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है। तो देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, मतलब इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ए, अगर मैं यहां से डिस्टेंस ए है और क्यू का डिस्टेंस ए है, तो अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू तो यहाँ पे आएगी ई नॉट ए। अगर मैं यहाँ पे निकालू तो ए की वैल्यू पुट करूंगा ना, ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, जीरो। यहाँ पे कितनी है, ई नॉट ए। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ई नॉट टू ए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ साथ बढ़ रहा है, मतलब ये केस नॉन यूनिफॉर्म है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जीरो नहीं आएगा। ध्यान रखना ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। आज मैंने सारी सारे कंसेप्ट का बताया, बस एक गॉस बचा है, वो गॉस को मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको इजी वे में उसकी सारी एप्लीकेशन, उसके सारे क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो मैं करा दूंगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट एकदम कंसेप्ट एंड क्लियर। वीडियो को बार बार देखना, बार बार सारी चीजें मैंने कराई है, सारे कंसेप्ट कराए हैं, हर एक चीज क्लियर एंड क्रिस्टल एंड क्लियर कंसेप्ट से आपको समझ आएगी। ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना सर ये चीज समझ नहीं आई, उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो ही बना देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बस जल्दी आ गया नीट आपका एग्जाम, बनना है डॉक्टर जल्दी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सारी चैप्टर के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास जल्दी आने वाली है, और 24 वाले बच्चों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार है आप लोगों का, बहुत तगड़ा बैच आपके लिए लॉन्च होने वाला है जल्दी। तो इसी के साथ अलविदा, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।